सरकार विरोधात विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत उत्तर दिलं. पण ज्यासाठी विरोधकांनी हा प्रस्ताव आणला त्या मणिपूरच्या मुद्द्यावर 1.5 तासाच्या भाषणानंतरही मोदी बोलत नसल्यानं अखेर विरोधकांनी सभात्याग केला. सभात्याग केल्यानं सर्व विरोधक लोकसभेतून बाहेर पडले. पण यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजितदादा गटाचे खासदार सुनील तटकरे हेच केवळ सभागृहात विरोधकांच्या बाजूमध्ये बसून होते, त्यामुळे त्यांच्या एकटेपणाची सर्वत्र चर्चा सुरू होती. याबाबत विचारले असता तटकरेंनी प्रतिक्रिया दिली. ते काय म्हणाले ऐकूयात. देखिए अभी उसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ. जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा है कि दादा के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एनडीए में शामिल होने का निर्णय वहाँ पे किया. एनडीए की 2 महत्वपूर्ण बैठक में दादा स्वयं मौजूद थे, मैं एक बैठक में मौजूद था. प्रफुल्ल पटेल दोनों सांसद के नाते और हमारे वरिष्ठ नेता के साथ नाते वहाँ पर मौजूद थे. तो एनडीए के साथ अभी रहने का हमने तय किया है. सो जो कुछ नीति आने वाले दिनों में एनडीए के साथ तय हो जाएगी उसका इम्प्लीमेंटेशन हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से करेंगे.